दूसरी बात, इस दुनिया में जीते हुए याद रखना, इस दुनिया में जीते हुए अंबिया का मिशन है दावत व तबलीग। अंबिया व रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मिशन है दावत व तबलीग। दावत व तबलीग के मैदान में जितना रोल आप अदा कर सकते हैं उतना रोल अदा कीजिए। हाँ, ये सच है, एक आलिम जितना काम कर सकता है, एक इल्म वाला जितना काम कर सकता है, उतना आप नहीं कर सकेंगे। लेकिन इतनी बात है कि दावत व तबलीग के मैदान में आप अपने पैसे के ज़रिए, अपनी मेहनत के ज़रिए, अपने वक्त के ज़रिए आप जो रोल अदा कर सकते हैं, जो किरदार अदा कर सकते हैं, दावत व तबलीग अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम का मिशन है। खुद नेक बनने के बाद, अपनी फैमिली को नेक बनाने के बाद कोशिश करो कि इस दुनिया में आपके ज़रिए से कोई बिगड़ा हुआ इंसान हिदायत पा जाए, कोई गुमराह इंसान हिदायत पा जाए। कोशिश करो कि आपके ज़रिए से कोई हिंदू मुसलमान हो जाए। कोशिश करो कि आपके ज़रिए से कोई क्रिश्चियन मुसलमान हो जाए। कोशिश करो कि आपके ज़रिए से कब्र परस्ती के फितने में मुब्तला हमारा कोई भाई सुन तौहीद पे आ जाए। कोशिश करो कि आपके ज़रिए से बिदात में मुब्तला हमारा कोई भाई सुन्नत पे आ जाए। क्यों? لَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ। अल्लाह का कानून है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को प्यारे नबी ने जिहाद के लिए भेजा, और जिहाद के लिए भेजते हुए क्या नसीहत फरमाई जाते हैं? कहा, अली, जिहाद के लिए जा रहे हो, जिहाद से पहले उन्हें इस्लाम की दावत देना। और कहा, ऐ अली, याद रखो, لَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ। अल्लाह की कसम, तुम्हारे ज़रिए से अल्लाह एक शख्स को भी हिदायत दे देना, एक शख्स भी हिदायत पा जाए, तुम्हारे लिए कई सुरखूंटों से बात बेहतर है। देखो, हिंदुस्तान में हम लोग गैर मुस्लिम के दरमियान रहते हैं। हमारे उस्ताद हमसे कहते थे कि वो जब अरब में पढ़ते थे मदीना मुनव्वरा में, तो उनके अरब दोस्त अहबाब उनसे कहते थे कि तुम हिंदुस्तानी बड़े खुश नसीब हो हम अरबों के मुकाबले। बोले, वो कैसे? तुम सरजमीन हरमैन में हो, तुम अरब लोग मक्का मदीना की सआदत, सरजमीन हरमैन की सआदत, और हम सनम कदे में रहते हैं, बुत परस्ती के गढ़ में रहते हैं, कुफार के दरमियान रहते हैं, और तुम कह रहे हो कि हम खुश नसीब हैं, हम हिंदुस्तानी। कहा कि सच है, हरमैन के एतबार से देखो तो हम खुश नसीब हैं, मगर तुम इस हैसियत से खुश नसीब हो कि तुम गैर मुस्लिम मेजॉरिटी के दरमियान तुम रहते हो, नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी के दरमियान तुम रहते हो, तुम्हारी ज़रा सी कोशिश से भी हिंदू मुसलमान हो सकते हैं। कदम कदम पे तुम्हें दावत और तबलीग करने के लिए, जन्नत पाने के लिए अफराद मौजूद हैं। तुम्हारे ज़रिए से एक गैर मुस्लिम भी मुसलमान हो जाए, आखिरत में तुम्हारा बेड़ा पार है। इस हैसियत से तुम खुश नसीब हो। सोचने का अंदाज सोच देखिए। वल्लाह, याद रखिए, हिंदुस्तान की सरजमीन इतनी सरखेज है। अब देखो, हिंदुओं में ये शोर बेदारी आ रही है, घर वापसी के नाम पे वो दाई और मुबल्लिग बनना चाह रहे हैं। हाँ, याद रहे मेरे भाई, इस्लाम ये दाईयाना मजहब है। हर मुसलमान को दाई होना चाहिए, हर मुसलमान को मुबल्लिग होना चाहिए। हाँ, अपनी अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक। आप, हो सकता है कि डायरेक्ट गैर मुस्लिम से बात करने की ताकत आपके अंदर ना हो, मगर आप इतना तो कर सकते हैं कि ये कुरानी मजीद जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, हिंदी में ट्रांसलेटेड है, ले जाके गिफ्ट तो दे सकते हो, कहो पढ़ो। वल्लाह कहता हूँ, ये कुरान ऐसी हैरत अंगेज किताब है, उसकी एक एक आयत जिंदगियों में इनकलाब बरपा कर देती है। मद्रास में एक फिल्म एक्टर है जिनकी ज़िंदगी तमिल फिल्मों में गुजरी, मुसलमान हुए वो, जी हाँ, तो तमिल बोलते थे। मैंने उनसे गुफ्तगू की, मैंने कहा, क्यों मुसलमान हो, कैसे मुसलमान हुए? दरमियान में तर्जुमान था, क्योंकि मैं तमिल नहीं समझता और उर्दू नहीं समझता। वो कहने लगे कि मैं इसलिए मुसलमान हुआ कि आपके साथ साथी हमारे तलबा हैं जो दावत व तबलीग का काम करते, वो लोग मेरे पास आए, वो लंबी चौड़ी गुफ्तगू करते, लंबी चौड़ी तकरीर करते, उनकी गुफ्तगू का कोई असर मेरे दिल पर नहीं होता था, लेकिन गुफ्तगू के दरमियान वो जब कुरानी मजीद पढ़ा करते अरबी जबान में, हालांकि मुझे नहीं मालूम कि उसका तर्जुमा क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, लेकिन जब वो आयतें सुनता था तो मुझे खुद नहीं मालूम, बेसाख्त मेरी आंखों से आंसू बह पड़ते थे। मेरे दिल ने कहा कि ये कुरान अगर ऐसी किताब है
कि समझे बगैर मुझे ये रुला रही है तो समझ जाऊं तो क्या होगा। मैंने कहा इस कलाम के सच्चे होने की दलील यही है कि ये लंबी चौड़ी तकरीरें कर रहे हैं, उनकी तकरीर का कोई असर मेरे दिल में नहीं हो रहा, और जब ये कुरान पढ़ते हैं तो मेरा दिल गैर मामूली तौर पर मुतासर हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, आप हो सकता है डायरेक्ट नॉन मुस्लिम से बात ना कर सके, आप कुरान तो गिफ्ट कर सकते हैं, या आप ये तो कर सकते हैं कि आप अपने किसी गैर मुस्लिम दोस्त को लाकर किसी दाई से मिला दीजिए। जी हाँ, आपके पास शेख साहब मौजूद हैं, अबू ज़ैद साहब माशाल्लाह अहले इल्म मौजूद हैं, उनके सामने लाके बिठा दीजिए। आप वो मुसलमान हो, एक शख्स भी अगर आपके जरिए से हिदायत पा गया, अल्लाह अकबर, क़ियामत तक के लिए सदक़े जारी, वो जिंदगी भर जितना अमल करेगा उसके अजर व सवाब में बराबर आप भी शरीक हैं, फिर उसके बच्चे जो करेंगे उनके अजर व सवाब में बराबर आप शरीक हैं। क्योंकि कानून क्या है, कानून ये है नेकी हो के बुराई, नेकी हो के बुराई, जो फाउंडर होता है नेकी और बुराई का उसके लिए नेकियां भी उतने ही गुनाह भी उतना ही। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया का सबसे पहला मर्डर कौन सा है, इस दुनिया में सबसे पहला मर्डर किसने किया, काबिल ने किया, काबिल ने, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने अपने भाई हाबिल का मर्डर किया, नाहक कत्ल किया। प्यारे नबी ने कहा चूंकि काबिल ने दुनिया का सबसे पहला कत्ल किया, सबसे पहला मर्डर करने वाला है वो, अब कियामत तक इस जमीन पर जितने नाहक कत्ल होंगे सबके गुनाह में वो भी बराबर का शरीक है। इसलिए कभी किसी गुनाह के मूजिद मत बनो, कभी किसी गुनाह के ईजाद करने वाले मत बनो, हाँ नेकियों को जन्म देने वाले बनो, ये नेकियां कियामत तक के लिए सदक़े जारिया बनेगी। तो हज़रात, अपनी इस्लाह, अपने घर वालों की इस्लाह के साथ साथ दावत व तबलीग, जो कि अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम का मिशन था, दावत व तबलीग के मैदान में जितना आप रोल अदा कर सकते हैं अदा करने की कोशिश करें। आखिरी बात,